आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस के। ये छह फॉर्मूले हैं हमारे पास। इन छह के फॉर्मूले की हम लोग यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से याद करने का तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ऊपर के तीन हैं ये बिना रूट वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला और दूसरा हम देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बिना रूट वाले में जिसमें माइनस हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भी 1/2a लिख लेंगे और इसमें भी 1/2a लिख लेंगे, फिर लॉग इसमें भी लिख लेंगे, लॉग इसमें भी लिख लेंगे। कितना याद हो जाएगा, 1/2a लॉग 1/2a लॉग। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए होता है तो एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए और प्लस का सी हो गया फॉर्मूला हमारा। हमको पता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसी तरह से हमने याद किया यहाँ पर 1/2a लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। अब इस तरह यहाँ पर देखो 1/2a लॉग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, देखो इसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, उल्टा। तो यहाँ पर इसका इसका भी क्या हो जाएगा, उल्टा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले यहाँ पर माइनस में था, इधर हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर ए प्लस एक्स अपॉन का ए माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखो इसका भी उल्टा हुआ है और इसका भी उल्टा हुआ है। देखो यहाँ पर पहले एक्स प्लस ए था, अब क्योंकि यहाँ पहले एक्स था तो यहाँ इसलिए पहले एक्स लिखा। अब यहाँ पहले ए है तो पहले यहाँ ए लिख लिया और इसका ये उल्टा हुआ है, इस वजह से इसका भी क्या हो गया, देखो पहले प्लस वाला लिखा फिर माइनस वाला लिखा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा प्लस का सी, ये दोनों हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट, ये तो एकदम सिंपल सही, आपने पढ़ा भी होगा डिफ्रेंशिएशन 1 + x² क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको लिखो 1/a और टेन इनवर्स एक्स, ठीक, और यहाँ पर अपॉन का ए प्लस का सी, ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन लॉग रूट वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों एक जैसे होंगे, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इन दोनों में क्या होगा, दोनों में लॉग लगा दो, इसमें भी लॉग लगा दिया, इसमें भी क्या लगा दिया हमने लॉग, ठीक है। मॉड इसमें भी लगा दो, मॉड इसमें भी लगा दो, एक्स इसमें भी लिख दो, एक्स इसमें भी लिख दो, सेम, प्लस लिखो प्लस लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का सी। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और मॉड में प्लस सी। ये दोनों फॉर्मूले हो गए आपके, और ये तो आपका साइन का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी। ये हमारा जो है पूरा सारे क्वेश्चंस, सारे फॉर्मूलेज जो है हमारे ट्रिक के हो गए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों बिना रूट के थे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो 1/2a लॉग और एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, नहीं इसका उल्टा, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद ये तो टेन वाला, ये तो 1/ टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों रूट क्या जाएंगे, सबसे पहले लॉग लिख लो फिर मॉड में एक्स लिख लो प्लस अंडर रूट जो डिनोमिनेटर है उसको लिख दो। यहाँ पर वैसे लॉग एक्स प्लस लिख दो, अंडर रूट जो डिनोमिनेटर है उसको लिख दो प्लस सी। साइन वाला ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसको जो है जब एग्जाम हो तो आप एक बार जल्दी से पेपर पे या फिर अपनी एक जो कॉपी होती है उसका रफ पेज बनाकर जल्दी से लिख लीजिए, तो उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं आप इजीली सॉल्व कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और ये बहुत आसान एक्सरसाइज इससे लग जाएगी, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए और ट्रिक के माध्यम से भी एक बार याद कर लीजिए और एक बार ऐसे भी याद कर लीजिएगा, मान लीजिए आप ट्रिक भूल गए तो आपको याद रहे, ठीक है।